भाई माया क्या अपने मकसद में हो पाएगी कामयाब? क्या कर पाएगी अनुपमा की खुशियों को बर्बाद? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अनुपमा जो है वो बहुत परेशान होने वाली है, क्योंकि माया उसके लिए प्लान जो बना रही है। लेकिन अनुपमा परेशान हो या ना हो, खुश तो आज बहुत होने वाली है। और क्यों भाई, शाह परिवार में उसका इतने अच्छे से वेलकम जो होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि ये अनुपमा कोई सपना देख रही है। क्योंकि शाह परिवार में बा इस तरह से अनुपमा के साथ बिहेव कर रही है, ये फैंस को भी भाई हजम नहीं हो रहा है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है सीरियल के आने वाले ट्रैक में। पर आज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि कैसे पूरा परिवार बहुत खुश है, जहां पर बा किंजल सब के सब बातें कर रहे हैं। अब वहीं पर काव्या भी आ गई है। अब काव्या को देखकर सब खुश हो गए हैं, जहां काव्या को लेकर वनराज भी टेंशन दिखा रहा है। वनराज कहता है, काव्या तुम आराम से बैठ जाओ, तुम कोई काम मत करो। लेकिन काव्या जो है वो कहती है, अरे अनुपमा की फेयरवेल है और वो हमसे अब कब मिले पता नहीं, मैं तो काम करूंगी। तभी बा जो है वो भी शांति से डांट कर काव्या को बिठा देती है और कहती है, ऐसी हालत में तू काम बिल्कुल नहीं करेगी। और जो इस तरह से सबके सब काव्या का ख्याल रखते हैं, तो भाई आप देखेंगे पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। वही बा जो है वो तो काव्या से ये तक कह देती है कि काव्या अब तुम यहीं रहो ताकि तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो सके। वही किंजल जो है वो भी काव्या को इस चीज के लिए फोर्स करती है। और इतना ही नहीं, डिंपल जो है वो भी काव्या से कहती है, हाँ काव्या तुम यहीं क्यों नहीं रहती। वही पाखी जो है अधिक के साथ कार में बैठकर आ रही होती है, जहाँ अधिक पाखी से कहता है, क्या हुआ? तभी पाखी कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ तुम इतना उदास क्यों हो? तो अधिक कहता है कि तो मैं क्या नाचूं? इस बात पर पाखी गुस्सा हो जाती है। अब इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही है ये तो आप जानते हैं, लेकिन अनुपमा बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरफ अनुज भी अंकुश के साथ बातें कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिर वो अनुपमा को कौन कौन से गिफ्ट दे। और ये सारी बातें बरखा सुन रही है। बरखा तो बस इसी बात के लिए खुश है कि अनुपमा फाइनली जा रही है, और वो सोच रही है कि अब वो माया और अनुज को भी मुंबई में शिफ्ट करवा देगी। वहीं खड़ी माया इन सब चीजों को देख कर जेलस हो रही है। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि अनुपमा शाह परिवार में आने वाली है, जहां वो बहुत खुश है, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊंचा है। और जब सब उसको देख कर इस तरह से उसका वेलकम करते हैं, तो वो सच में अंदर से खिल उठती है। और भाई अनुपमा जो है सबसे कहती है कि वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। यही होता है, सबके सब साथ में पूजा करते हैं और फेयरवेल की पार्टी शुरू होती है। सब जो है डांस करते हैं। पाखी किचन में खाना बनाकर अनुपमा की एक्टिंग उतारती है और बहुत खुश होता है। लेकिन माया अलग ही प्लान बना रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या माया अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।